हेलो स्टूडेंट्स, आहा जिंदगी एडुकेट चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अपने इस लेक्चर में क्लास 12 बायोलॉजी प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर 5 एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन डिस्कशन करने वाली हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके दिए गए हैं, टू हेटरोजाइगस पेरेंट्स आर क्रॉस इफ द टू लोसाई आर लिंक्ड, What would be the distribution of phenotypic features in F1 generation for a dihybrid cross? Okay, आपसे F1 generation में पूछा जा रहा है, ठीक है? वैसे जो figure मैं आपके सामने लाई हूँ, तो इसमें F2 का भी आपका दिया गया है, but आप अगर question में F1 तक का ही पूछा जा रहा है, तो आप F1 तक ही examination में अगर question आ जाए, तो आप F1 का ही दें, ज़्यादा क्यों देना? बट मैं आपको समझाने के लिए F2 जेनरेशन तक का बता दे रही हूँ, ओके? तो चलिए आइए हम लोग डिस्कस करेंगे, साथ में नोट डाउन भी करते चलेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, लिंक हुआ है, ठीक है? तो इसमें हम लोग क्या कहेंगे, लिंकेज इज डिफाइंड। सबसे पहले लिंकेज हम लोगों को समझना होगा, ठीक है? क्योंकि बोला जा रहा है क्वेश्चन में, इफ द टू लोशाई आर लिंक्ड, ठीक है, What would be distribution of phenotypic features in F1 generation for a dihybrid cross? तो सबसे पहले हम लोग लिंकेज को समझेंगे कि लिंकेज होता क्या है। तो डेफिनेशन ऑफ लिंकेज, तो सिंपल सी बात है, लिंकेज इज डिफाइंड एज द को एग्जिस्टेंस ऑफ टू और मोर जीन्स इन द सेम क्रोमोजोम। ओके, इसको हम लोग नोट डाउन करते हैं, फिर आगे चलते हैं। लिंकेज इज डिफाइंड एज द कोएग्जिस्टेंस ऑफ टू और मोर जीन्स। In the same chromosome. Okay? If the genes are situated at the same chromosome, if the genes are situated at the same chromosome, and lie close to each other, then they are inherited together. They are inherited together. And are said to be linked gene. और क्या कहलाएंगे? And are said to be linked gene. Linked gene. Genes. Okay. अब अगर एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, तो फॉर एग्जाम्पल क्या ले लेंगे? A cross between yellow body and white eyes and wild type parent in a drosophila will produce wild type and yellow white progenies. It is because yellow bodies and white eyed genes are linked. Therefore, they are inherited together in progenies. Okay? So,
यहाँ देखिए, रुक जाइए, हम लोग ये फिगर को मैं बाद में समझाऊंगी, पहले मैं यहाँ नोट डाउन कर देती हूँ जिससे कि पहले आपको थ्योरी पता चले, फिर आप उसको प्रैक्टिकली देखेंगे, ओके? तो पहले मैं नोट डाउन ही करती हूँ, आप लोग भी नोट डाउन कर लें, फिर फिगर को मैं समझा दूंगी अच्छे से। तो एग्जाम्पल की बात हो रही थी, अक्रॉस बिटवीन बिटवीन येलो बॉडी, बॉडी कैसा है येलो एंड आई कैसा है व्हाइट, एंड व्हाइट आई इसका क्रॉस किसके साथ करवाएंगे, इसका क्रॉस वाइल्ड टाइप पेरेंट इन ड्रोसोफिला। इन ड्रोसोफिला विल प्रोड्यूस थोड़ा स्पेस हम लोगों को चाहिए तो स्पेस बना लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है, आगे की चर्चा हम लोग कर लेंगे। ओके, तो ये हम लोगों ने स्पेस बना ली, ठीक है। अब क्या हुआ, पेरेंट इन ड्रोसोफिला विल प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेंगे, वाइल्ड टाइप एंड येलो व्हाइट प्रोजेनीज, येलो व्हाइट प्रोजेनीज। ओके, अब क्यों, इट इज बिकॉज, इट इज बिकॉज येलो बॉडीज एंड व्हाइट आईज, बिकॉज येलो बॉडीज एंड व्हाइट आईड आईड जीन्स आर लिंक्ड, ओके, देयरफोर क्या हो जाएंगे, देयरफोर दे आर इनहेरिटेड, दे आर इनहेरिटेड टूगेदर इन प्रोजेनीज। ओके, तो ये हो गया आपका थ्योरी, ठीक है ना। अब हम लोग क्या देखे, एग्जाम्पल में किसका क्रॉस करवाया गया, एक क्रॉस बिटवीन येलो बॉडी था और व्हाइट आई है, और वाइल्ड टाइप पेरेंट इन ड्रोसोफिला, अब ये प्रोड्यूस क्या किया, वाइल्ड टाइप एंड येलो व्हाइट प्रोजेनीज, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, इट इज बिकॉज येलो बॉडीज एंड व्हाइट आईड जीन्स आर लिंक्ड, दोनों लिंक्ड हो गए, देयरफॉर दे आर इनहेरिटेड टुगेदर इन प्रोजेनीज। ओके, अब देखिए हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, आपके फिगर में जो दिए गए हैं, तो फिगर के सारे जो हैं उसको मैं समझाती हूँ आपको। तो फिगर आप देख रहे हैं यहाँ, रुक जाइए, फिगर को मैं अच्छे से आपको दिखाती हूँ। ओके, चलिए, जिसका क्रॉस किसके साथ करवाया जा रहा है, यहाँ देखिए वाइल्ड टाइप से रिकॉम्बिनेंट टाइप हो गया, पेरेंटल टाइप में कितना है? इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो होता है कंप्लीट होता है, बाकी के क्वेश्चन
के सॉल्यूशन को पाने के लिए आपको आहा जिंदगी एडुकेट चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट करना होगा। प्लेलिस्ट का आपको लिंक चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, उस लिंक को आप क्लिक कीजिए और एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस सॉल्यूशन प्लस 8 to 12 मैथ और साइंस के स्टडी मटेरियल का लाभ उठाएं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स।